वेलकम टू ईवीएस वर्ल्ड। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। ये रहा परिवार। परिवार के दो भाग होते हैं, एकल और संयुक्त। तो जब हम बच्चों को ये देंगे तो बच्चे इसमें से निकाल के ये बताएंगे कि इनमें से कौन कौन से लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और कौन कौन से लोग एकल परिवार में। तो इससे बच्चे आसानी से सीख सकेंगे। जैसे दादी जी, दादी जी किस परिवार में रहती हैं? संयुक्त में। पिता, पिता संयुक्त में भी रहते हैं और एकल में भी, तो यहाँ हम लोग एकल में डाल रहे हैं। जैसे चचेरा भाई संयुक्त परिवार में रहते हैं। फिर ये हमारा हो गया हमारा भोजन। ये दूसरा चैप्टर है हम लोग का, हमारा भोजन। तो हमारा भोजन दो जगह से हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से और जंतुओं से। तो बच्चे इसमें से निकालेंगे खुद से, जैसे कि मांस कहाँ से मिलता है हमको? जंतुओं से मिलता है। मछली भी जंतुओं से मिलती है। और चना हमारा पेड़ पौधों से, और केला भी हमारा पेड़ पौधों से। इससे बच्चे आसानी से और जल्दी सीखेंगे और उनको मज़ा भी बहुत आएगा। और पानी के स्रोत, पानी के स्रोत दो जगह से आते हैं, एक सतही जो ज़मीन के ऊपर बहता है और भूमिगत जो ज़मीन के अंदर से पानी बहता है। जैसे हमारा झील, झील हमारी सतही है, ऊपर से बहती है। और ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में पानी ज़मीन से आता है, भूमिगत हो जाएगा हमारा। और कुआँ भी हमारा भूमिगत में आएगा। और नदी हमारी सतही। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिवेशीय पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हमारे तीन तरह के होते हैं, पेड़, पौधा और बेल या लता। तो पेड़ हमारा क्या होता है? जिसकी शाखाएं, जिसके तने मोटे और ये फैले हुए होते हैं काफ़ी, जैसे कि आम, आम हमारा पेड़ है। फिर है हमारा गुलाब, जिनके पौधे, जिनके तने कमज़ोर और पतले होते हैं, पौधे ये छोटे छोटे होते हैं। तो गुलाब हमारा क्या हो गया? पौधा। और फिर हमारा ये बरगद, नीम, ये सब हमारे क्या हैं? पेड़ हैं। फिर अरे बेल, बेल नहीं मिल रही है, ये मिल गई। जैसे कि हमारा अंगूर, अंगूर हमारा क्या है? बेल या लता। बेल या लताएं वो होती हैं जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ती हैं या फिर ज़मीन पे फैलती हैं। फिर जीव जंतु, जीव जंतु तीन तरह के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ घास या फल फूल खाते हैं, जैसे कि हमारा खरगोश हो गया, तभी तो सुंदर लगता है ना। और मांसाहारी क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उनको मांसाहारी कहते हैं, जैसे कि हमारी लोमड़ी। और सर्वाहारी वो होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी, मतलब वो घास फूस और फल फूल भी खाएंगे और दूसरों का, दूसरे जानवरों का मांस भी खाएंगे, जैसे कि कौवा। कौवा तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोग के आसपास रहते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, जो दोनों चीज़ खाते हैं। फिर यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। ये आगे हमारा यातायात के साधन। तो हम लोग यातायात तीन जगहों से करते हैं, ज़मीन से, हवा से और पानी से। तो ज़मीन पे चलने वाले साधन क्या होते हैं यातायात के? जैसे कि हमारी साइकिल है। साइकिल हमारी कहाँ चलती है? ज़मीन पे, सड़क पे चलती है। फिर नाव, नाव हमारा कहाँ चलता है? पानी में। और ये आ गया हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ हमारा कहाँ चलता है? हवा में उड़ता है। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, ये हमारे सारे चैप्टर हो गए परिवेश के, जितना हम इसमें कर सकते थे। तो ये देखिए हमारा यातायात का, सॉरी, हमारा ईवीएस वर्ल्ड ख़त्म हुआ। तो कैसा, अच्छा है बच्चों ये?